मनावर में डकैती की योजना बनाते समय चार बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। वही पकड़े गए आरोपियों में 5,000 इनामी भी धर दबोचा गया। साथ ही आरोपियों से 3 चोरी की बाइक सहित अवैध हथियार जब्त किए गए। बताया गया है कि मनावर टोल टैक्स को लूटने की योजना बनाते चार बदमाशों को बीती रात पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वही पकड़े गए आरोपियों में कमलेश डावर पर पूर्व के मामलों में 5,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने पिछले दिनों सिंघाना की दादी मार्जिनिंग से 15 बोरी कपास या खली भी चुराना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किया टाटा मैजिक वाहन कपास या खली सहित 4 चोरी की बाइक और अवैध 12 बोर देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चाकू, फलिया जब्त किया गया। वही पुलिस आगे मामले की कार्रवाई में जुटी है। ये जैसे कि हमारे एसपी साहब धार श्री आदित्य प्रताप साहब और एडिशनल एसपी साहब देवेंद्र पाटीदार साहब, इनके द्वारा एक लगातार अपराधों पर अंकुश की मुहिम चलाई जा रही है। और कल इसी कड़ी में थाना प्रभारी ब्रजेश मालवी मनावर, इनको सूचना मिली कि कुछ जो बदमाश जो है वो कुछ डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसकी तस्दीक जो है यहाँ चौकी प्रभारी सिंघाना नारायण कटारा जी ने की। और जैसे ही सूचना सही पाई गई, तत्काल जो है हम थाना मनावर द्वारा इसमें टीम गठित की गई, और टीम के सदस्यों द्वारा जो है ये जो नहर है गुराड़िया नहर है वहाँ पर दबिश दे करके जो है 5 आदमी को, उसमें 4 आदमी को वहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मेन चीज़ ये है कि इसमें एक 5,000 रुपये का इनामी है कमलेश, जो है बोरघाटा का रहने वाला है, उसे पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जो चोरी हुई थी शटर चोर के ग्राम सिंघाना में, इसमें कपासिया गई थी, तो उन्होंने भी इस घटना को जो है वो स्वीकार किया गया। साथ में इन बदमाशों के पास में हथियार भी मिले हैं, जिसमें कमलेश के पास में एक देसी कट्टा और बाकी के पास में फाली और चाकू बरामद किया गया। जो इनके पास जो वाहन मिले थे उसमें एक वाहन जो है वो भी अपाची जो है वो चोरी गया वाहन इनसे बरामद किया गया। इसमें करीब 1,00,000 के आसपास का माल जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। धार मनावर से पन्ना लाल बघेल की रिपोर्ट।